पंजाब में हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए दूसरे स्कूलों में सेंटर बनाए जाने को लेकर सांझा अध्यापक मोर्चा की ओर से संघर्ष शुरू कर दिया गया है। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर सांझा अध्यापक मोर्चा की ओर से आज डिप्टी कमिश्नर मोगा के दफ्तर के बाहर पंजाब की शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया और अध्यापकों ने मांग की कि सरकार अपने फैसले को तुरंत बदले। वहीं अध्यापकों ने बताया कि बच्चों को पेपर देने के लिए बहुत दूर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत से परेशानियां होंगी। अध्यापकों ने कहा, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। सुखविंदर सिंह जी, आज तुम्हारी यूनियन के वालों सरकार का पुतला फूकया जा रहा है, इसके बारे जानकारी दे। अज असी सांझा अध्यापक मोर्चा जिला मोगा वालों पंजाब सरकार के सिक्ख्या मारू फैसलों का डटवा विरोध कर रहे हैं। पहला पंजाब सरकार का फैसला यह सी कि जिहड़ियां स्कूलों के 10वीं ते 12वीं दीआं बोर्ड दीआं प्रीख्यावां होण जा रही हैं, उत्थे देखो किड्डी वी अध्यापकां दे उत्ते बेविश्वासी करके एक स्कूल का सेंटर दूजे स्कूलों के शिफ्ट किया गया, जिथे पहला ऑलरेडी सेंटर बने हुए से, कोई प्रॉब्लम नहीं सी उत्थे, उत्थे बाहरला स्टाफ आके जिहड़ा वो विद्यार्थियों के पेपर लैंदा सी। पर हुण सरकार ने यह फैसला किया कि जिथे जिहड़े सेंटरां दे विच विद्यार्थी पहला पेपर दिंदे सी, वो किसी होर सेंटर दे विच जाके जिहड़े विद्यार्थी वो पेपर देणगे। इहदे नाल जिहड़ा वड्डा वो बहुत वड्डियां बच्चों के आने जाने दीआं किड्डियां समस्यावां हैगियां इहदे नाल।